आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चार विधानसभा के क्रिटिकल बूथों पर वेबकास्टिंग को लेकर कार्मिकों का प्रशिक्षण साकुशल हुआ संपन्न। जीपीआरओ एवं सीडीओ ने कहा जनपद के 2200 क्रिटिकल बूथों पर की जाएगी वेबकास्टिंग। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की जाएगी तैनाती। 55 व्यक्तियों के ऊपर जिला बदर की गई है कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखा के रजिस्टर का द्वितीय प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार में सकुशल हुआ संपन्न। प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया व्यय का पूरा ब्यौरा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने नागरिकों से की अपील। कहा 3 मार्च को बिना किसी डर भय के घर से निकलकर करें मतदान। किसी तरह की समस्या होने पर 112 पर पुलिस को दे तुरंत सूचना, होगी त्वरित कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा सदर विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे चुनाव। यूपी में भाजपा जीतेगी 350 सीट, दोबारा बनेगी प्रदेश में भाजपा की सरकार। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस व आबकारी विभाग के द्वारा ड्रोन कैमरे से की जा रही है छापेमारी। 260 लोगों के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने दी जानकारी। गोरखपुर में गुरुवार को पाए गए 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 268। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड के जनवरी 2022 की रैंकिंग में गोरखपुर को पूरे यूपी में मिला प्रथम स्थान। सीएमओ ने कहा जिले के टॉप परफॉर्मिंग कैंपियरगंज खजनी चौरी चौरा ब्लॉक का उपलब्धि हासिल करने में रहा है अहम योगदान। दिया जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई। नगर निगम ने स्वच्छता प्रतियोगिता के विजेताओं के सम्मान समारोह का किया आयोजन। कहा सम्मानित हुए लोगों से प्रेरित होकर चलाते रहें स्वच्छता की मुहिम, तभी गोरखपुर शहर होगा स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर। आपदा आने पर लोगों का कैसे करें बचाव के संबंध में नगर निगम में आपदा प्रबंधन कार्यशाला का हुआ आयोजन। डेमो देकर एनडीआरएफ की टीम ने दी जानकारी। नगर निगम ने कूड़ा बीनने वालों को दी वर्दी, आई कार्ड एवं अन्य सफाई के उपकरण। किया उनके लिए मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन। निशुल्क चेकअप के साथ साथ दी गई निशुल्क दवाइयां। और विधानसभा चुनाव में वाहनों के अधिग्रहण व उपलब्धता को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राइवेट स्कूल के वाहन मालिकों, प्राइवेट बस मालिकों के साथ की बैठक। 27 फरवरी की शाम तक डीडीओ प्रांगण में वाहन को उपलब्ध कराने के लिए वाहन स्वामियों को दिए निर्देश।